सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले, सॉरी चने। चने का मैं आज थोड़ा चाट बना रही हूँ, तो इसमें अभी भिगो के रखा, अभी इसको एक छोटा सा आलू डाला मैंने, ये ऑप्शन है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालिए। तो ये मैं इसके साथ ही बॉईल कर लूँगी, इसमें कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक, और इसको मैं कुकर में चढ़ा दूँगी 4-5 सीटी होने के लिए। सबसे पहले इसको डाल दिया और कुकर में 4-5 सीटी होने के लिए रख दिया। इसका जो भी सामान चाहिए वो रेडी कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएँ। कढ़ाई रखा है, और सबसे पहले 2 लाल मिर्ची इसको सूखा भाज लेंगे, कढ़ाई में डाल दिया, 2 डाल रही हूँ, मेरे को ज़्यादा रहेगा लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रख लूँगी। और इसमें डाल देंगे 1-2 चम्मच जितना जीरा, और एक चीज़ ऐड करेंगे अक्का धनिया, ये तीनों सूखा भाज लेते हैं। ये जब तक थोड़ा सा हल्का सा लाल हो रहा है तब तक मैं दूसरी सामान रेडी कर देती हूँ। का मसाला मैंने भाजने के लिए रखा, ये अच्छे से लाल हो गया, अभी इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इधर मैंने टमाटर और प्याज काट लिया, 1 टमाटर 1 प्याज। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल देंगे, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच के लिए तेल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कच्चा प्याज डालेगा ना तो थोड़ा सा टाइम होता है तो कच्चा प्याज का स्मेल आ जाएगा, इसलिए प्याज को पहले कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा हल्का सा भाज, मतलब थोड़ा सा हल्का सा लाल कर लेंगे इसको। प्याज को डाल दिया और इसको हल्का सा भाज लेते हैं। तो प्याज अच्छे से हो रहा है, टमाटर को भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि बहुत टाइम चने में नमक डालने के बाद पानी छूट जाता है ना, तो इसलिए टमाटर को भी हल्का सा इसका पानी सुखा देंगे। जब तक थोड़ा सा हो रहा है इधर एकदम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, एकदम थोड़ा सा, ये देखिए इतना सारा इसमें डाल देंगे, जस्ट इसका फ्लेवर और खुशबू चेंज हो जाएगा इसके लिए। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच जितना आप लोग को दिख रहा होगा, बस चाट है तो कुछ ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, वही सब से ये अच्छे से हो गया। अभी जो छोले चने मैंने बॉईल करने के लिए रखा ये अभी हो गया, ठंडा हो गया, इसको निकाल लेते हैं। देखिए एकदम रेडी है, और पानी भी मैंने वही सबसे डाला, कम डाला। सबसे पहले आलू को निकाल लेंगे, अभी ये अच्छे से हो गया, अभी इसमें चले आते हैं। ये जो पानी है गैस को फास्ट रखेंगे और इसके साथ ही ये चला लेंगे। ये जब तक हो रहा है पानी सूख रहा है, इधर जो छोटा सा मैंने आलू का डाला था वो काट लेती हूँ, और इधर ये मसाला पीस लेते हो, फिर मैं दिखा दिया तो फोन मैंने दिखाना भूल गई, तो ये अभी डाल दिया। इसका जो पानी है जब तक ये पानी सूखेगा कोन भी इसके साथ आ जाएगा, कोन बोलते हैं या कोई क्या बोलते हैं मक्का, तो ये भी मैंने इसके साथ डाल दिया। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो मैं चने के साथ भी डाल के पका सकती थी, तो इसीलिए मैंने इसके साथ डाला, तेल थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा अच्छा रहेगा। इसका पानी जब तक सूखेगा तब तक ये भी रेडी हो जाएगा, ये दोनों होने देते तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँ। देखिए इसका पानी जो है एकदम से सूख गया, इससे ज़्यादा इसको और नहीं पानी सुखाएंगे। और इधर मैंने छोटा सा टमाटर थोड़ी सी काकड़ी काट दिया, और इधर जो आलू मैंने उसके साथ बॉयल किया था, और हरा धनिया, और इधर मसाला भी पीस लिया, और इसमें लेंगे 1/2 नींबू। सबसे पहले नींबू का रस गैस को कर देंगे, और
और इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे आधा, आपको जैसा चाहिए जितना कि खट्टा मीठा चाहिए। और इसमें जो आलू बॉईल करके रखा वो ऐड कर देंगे, और इसमें हरा धनिया, और इधर जो मैंने मसाला भाज के रखा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आधा चम्मच जितना वो ऐड कर देंगे। कैसे खाने में इतना टेस्टी है ना, आप लोग बना के खा के ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा। बच्चे लोग के टिफिन के लिए, बड़े के लिए ऐसा चाय टाइम या स्नैक्स टाइम में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। अच्छे से मिक्स करके ये हो गया रेडी। अभी कुकुम्बर जो है ना वो अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये गर्म है ना तो पानी छूटने लगेगा, इसलिए इसको लास्ट में जब खाना होगा तभी, मैंने काट लिया, जब खाना होगा इसमें ऐड कर देंगे। हो गया रेडी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को हमारा चने चाट या छोले बोलते हैं तो इसको चाट कैसे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।